हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप सभी की कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज है 25 नवंबर और आज है फ्राइडे, और मैं जस्ट स्कूल से वापस आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में ही हूँ अभी, मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। तो जब स्कूल छुट्टी और मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि अर्णव मुझे दिखने मिला ही नहीं बहुत देर तक। मैंने उसे ढूंढा, तो फिर जब मुझे पापा दिखे तो मैंने पापा से पूछा कि पापा अर्णव कहाँ है। तो पापा ने बोला कि पापा उसको 9:45 बजे स्कूल से लेके चले गए थे घर, क्योंकि अर्णव के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो वो हादसा आप अर्णव से जान लीजिए कि इसके साथ क्या हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अर्णव से मिलवाती हूँ और आप जान लीजिए कि अर्णव के साथ क्या हादसा हुआ था स्कूल में। देखो अर्णव, तो फ्रेंड मैं स्कूल में था और हमारा स्पोर्ट का पीरियड था, तो मैं उसमें खेल रहा था और खेलते खेलते जो है ना, मैं एक पत्थर के ऊपर गिर गया। और फिर उसके बाद में हमारा रिसेस हुआ, उसके बाद में एक पीरियड हो गया हमारा, फिर धीरे धीरे फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों फिर मैं अपने टीचर के पास गया, फिर मेरी टीचर ने मेरे पापा को कॉल किया, फिर मेरी मैम ने मेरे पापा को स्कूल में बुला लिया, फिर मैं 9:45 बजे घर पर चला गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ने भी अर्णव से सुना कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था स्कूल में, इसलिए पापा के साथ जल्दी स्कूल से वापस आ गया था। और पापा ने मुझे स्कूल से नहीं लिया क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचे थे पढ़ने के, तो फिर मैं वो अटेंड नहीं कर पाती थी, इसलिए पापा मुझे फिर 12 बजे स्कूल लेने आ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं भी अपनी देखिए यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अर्णव और पापा खाना खा रहे हैं और ये मम्मी आई है रोटी लेके। मम्मी अभी खाना परसेगी अर्णव पापा को। और आपको तो जैसे कि पता है कि अर्णव का स्कूल में क्या उसके साथ हुआ था, उसने आपको बताया भी है। उसका बहुत पेट दुख रहा था क्योंकि वो पत्थर पे गिर गया था। तो घर आने के बाद पापा ने उसको दवाई दी और अभी उसको बहुत बेटर फील कर रहा है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर पे खाने में क्या बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कढ़ी दाल, ये आलू गोभी की सब्जी है, और ये है रोटी, और यहाँ पे चावल है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे अर्णव भी कुछ यहाँ पे फिलहाल खा रहा है। हाय कहो अर्णव। हाय। चलिए अब देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। ये देखिए मम्मी, हाय बोलो। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी अभी अपना कुछ मोबाइल पे काम कर रही है। और तो फ्रेंड्स, मम्मी के भी यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं, फेम लाइब्रेरी और नॉलेज ज्ञानदान। तो अगर आप उस चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस पे जाके उस चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आपको वो चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये जो हमारा चैनल है तो इस पे भी वीडियोज़ हम बनाते हैं, बट उसके एडिटिंग और पूरा जो काम होता है थंबनेल वगैरह बनाना, वो सब मम्मी करती है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हम रोज़ सुबह 5:30 बजे उठते हैं स्कूल के लिए, तो नींद तो बहुत आती है दोपहर में। तो मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। और ये देखिए अर्णव, ये अभी तक खा ही रहा है, और ये तो कभी भी दोपहर में सोता ही नहीं है, मतलब इसको तो नींद ही नहीं आती। ये टीवी देखता रहता है या फिर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, मिलते हैं बाद में। फ्रेंड्स, मैं सोकर उठ गई हूँ, फ्रेश होके रेडी भी हो गई हूँ। और अभी मैंने सोचा कि थोड़े से मैं कपड़े निकाल लूँ क्योंकि मम्मी को काम है, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े निकाल लेती हूँ मम्मी ने सुखाए हुए, क्योंकि अभी कपड़े सूख चुके हैं और शाम भी हो चुकी है। आपने देखा, मैंने अभी सारे सूखे हुए कपड़े निकाल लिए हैं वॉश एरिया में जो सुखाए थे मम्मी ने। और अभी मैंने आपसे कहा था कि अर्णव तो दोपहर को सोता ही नहीं है, पर उसको थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो वो शाम को 5:30 बजे के करीब सो गया था। तो अभी ये देखिए आप, वो सोया ही है। तो अभी मैं काम करती हूँ, उसको उठाती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर दियाबत्ती कर देंगे, क्योंकि वो मम्मी को कुछ काम है इसलिए। अर्णव शाम हो गए, उठो जल्दी से, पढ़ाई करनी है फिर। उठो, पापा को फोन आया था, अर्णव ने पढ़ाई किया तो पूछ रहे थे वो।
आपसे कहा था कि मम्मी को कुछ काम था, तो वो मम्मी का काम खत्म हो चुका है, और अभी जो मैंने कपड़े निकाले थे पीछे से, तो मम्मी के पास फ्री टाइम था, तो मम्मी उन्हें अभी घड़ी कर रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी दीदी सब्जी काट रही है। मम्मी दीदी को सब्जी काटने का काम दिया था। तो दीदी बताओ, ये आज खाने में क्या बन रहा है? पुलाव। पुलाव बन रहा है? अच्छा, पुलाव, वेज पुलाव बनाने वाली है आज मम्मी, और इसकी मुझे मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने मटर भी चढ़ा दिए, बस अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे वो भी। फिर मम्मी इसको आके छौंक लगा देंगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी रात हो गई है, रात के 10 बज गए हैं, और पापा भी मेडिकल से आ गए हैं, और आज हमारे घर पे रात के खाने में बना है मटर पुलाव। तो देखिए आप, मम्मी मटर पुलाव बना रही है ना? ये देखिए मटर पुलाव। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, और पापा मेडिकल से आ गए हैं, तो यहाँ पे अर्ना और पापा मिलकर हाथ सेकने के लिए आग जला रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए कि कितना अच्छा पुलाव बना है, खिला खिला, और उसके साथ कड़ी भी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और एक लाइक भी कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो, और एक कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।